नमस्कार दोस्तों, फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 9 दिन 9 व्यंजन भाग 4 की आज की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कम तेल में बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट सा फलाहारी, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो ये रेसिपी आपके काम की है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाले पराठे और आलू टमाटर की बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो आज की रेसिपी आपको इतनी पसंद आने वाली है ना कि इसको आप व्रत के अलावा भी बाकी दिनों में भी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही मेरे चैनल पर 9 दिन 9 व्यंजन भाग 1, 2, 3 अवेलेबल है। इस पर ढेर सारी फलाहारी रेसिपीज आपको मिलेंगी, तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू, 3 छोटे टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा अदरक और 3 हरी मिर्च लिया है। और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालेंगे हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्च। साथ ही एक छोटे टमाटर को हम इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, इसे हमें कोर्स ग्राइंड करना है। तो ढक्कन लगाएंगे और बिना पानी के ही इसको पीसेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने कोर्स ग्राइंड कर लिया है, बस इसी तरीके का पेस्ट हमें चाहिए। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा व्रत में खाया जाने वाला तेल और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छी तरीके से लाल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हमने ये जो पेस्ट तैयार करके रखा है। तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से भुनेंगे और जब इसमें से तेल सेपरेट होने लगे तो इसमें डाल देंगे हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। हल्दी इसमें टोटल ऑप्शनल है, या इसके अलावा भी जो चीज़ें आप इस व्रत में ना खाते हों उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और जब अच्छी तरीके से मसाला हमारा भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को थोड़ी देर मसालों में भूनने के बाद इसमें डाल देंगे नमक और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून के लगभग गरम मसाला लिया है। और मसाले को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें आलू को इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे। आप चाहे तो इसे चाकू से भी थोड़े छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्रश करके डालने में हमारे जो सब्जी है उसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनकर आती है। सारी चीज़ों को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पे 200 ml पानी डाला है। और अब हम सब्जी को धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। जब तक सब्जी हो रही है तब तक हम पराठे के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 उबले आलू लिए हैं और ग्रेटर के छोटे वाले जो दाने हैं उससे हम इसको आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। अब हम मिलाएंगे 1/2 कप कुट्टू का आटा और साथ ही हम यहाँ पे लेंगे 1/2 कप सिंघाड़े का आटा। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप सिंघाड़े का आटा और लिया है। आप चाहे तो दोनों चीज़ों को बराबर रख सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। हथेलियों से रब करके थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आलू और जो आटा है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून के लगभग हम घी मिला देंगे। घी मिलाने से ये जो पराठे हैं वो काफ़ी मुलायम होते हैं। और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे डालकर इस डो को लगाएंगे। एक चीज़ डो को लगाते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सिंघाड़े का आटा होता है ये बहुत ही जल्दी पिघलता है। तो इसमें हमें थोड़ा टाइट ही डो हम लगाएंगे और जब हम इसको पराठे बेलने जाएंगे ना तो ये डो हमारा एकदम परफेक्टली रेडी होगा। थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए ढक देंगे। और इधर सब्जी चेक कर लेते हैं तो हमारी जो सब्जी है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे और फ्लेम को ऑफ करके ढक्कन लगा के हम एक साइड में रख देंगे। अब हम जो आटा लिए हैं उसकी लोइयां बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारी लोइयों को तैयार कर लेते हैं। तो हमने जितना डो तैयार किया है उसमें 5 से 6 पराठे बन सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के पराठे मैं बना रही हूँ तो यहाँ मेरी 6 लोइयाँ बनकर तैयार हो रही हैं। और अब हम इन पराठों को बेल लेंगे। तो हम लोइयों को इस तरीके से पहले एक छोटी रोटी बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और थोड़ा सा हम ये जो कुट्टू का आटा है उसको बीच में डाल देंगे। इसी तरीके से हम इसको 2 बार फोल्ड करेंगे और ऐसा त्रिकोणा सा तैयार करेंगे।
अब इसको हम बेल लेते हैं। तो ये हमारा जो पराठा है ये बिल्कुल तैयार हो गया, इसको एक किनारे रख देते हैं। फिर हम दूसरी लोई भी तैयार करेंगे और इसको इसी तरीके से हम बाकी की जितनी लोइयां हैं उसके पराठे हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि पराठों को हमें अलग अलग रखना पड़ेगा, एक के ऊपर एक अगर रखेंगे तो ये पराठे बहुत ही जल्दी चिपक जाते हैं। अब हम इनको सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, इस पर पराठा डाल देंगे। एक तरफ से पराठे अच्छी तरीके से सेकने के बाद अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से सेकेंगे और थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से हम घी लगाने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से सेक लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसी तरीके से बाकी के जो सारे पराठे हैं उसको सेक लेते हैं। तो दोस्तों, व्रत वाले पराठे और आलू टमाटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए और इस रेसिपी को इस नवरात्रि आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और ऐसी ही ढेर सारी फलाहारी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर 9 दिन 9 व्यंजन भाग 1, भाग 2 और भाग 3 अवेलेबल है। उसमें आप ढेर सारी फलाहारी रेसिपीज़ को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।